बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फेयर पब्लिक गर्ल्स हाई स्कूल। आज मैं आपको प्रेप क्लास का मैथ का लेक्चर डिलीवर करूंगी। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 4। लुक एट द बुक स्टूडेंट्स, पेज नंबर है हमारे पास 14। पेज नंबर 14 पे है मिसिंग नंबर्स, राइट द मिसिंग नंबर्स। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे उन्होंने हमें काउंटिंग के कुछ डिजिट्स दिए हुए हैं। यहाँ पे 31 से 40 डिजिट्स देखिए यहाँ तक उन्होंने पूरे पेज पे दिए हुए हैं। इनमें से कुछ डिजिट जो हैं वो मिस हैं, वो हमने राइट करने हैं। जैसे देखिए 31 के बाद क्या आता है 32। हमने 32 जो है, जो यहाँ पे बॉक्स ड्रा किया हुआ है उन्होंने, इसके अंदर हमने 32 राइट करना है। इसी तरह से नेक्स्ट 32 के बाद 33 देखिए 34 उन लोगों ने राइट किया हुआ है। नेक्स्ट हम 34 के बाद राइट करेंगे। देखिए 34 के बाद हमारा नेक्स्ट डिजिट कौन सा होता है, 34 के बाद नेक्स्ट डिजिट है 35। यहाँ पे हम राइट करेंगे 35। देखिए 36 फिर राइट किया हुआ है, तो 37 के बाद 38 राइट है, 39 उसके बाद, 39 के बाद हमारे पास है 40। यहाँ पे हम राइट करेंगे 40 के बाद आपको पता है जो नेक्स्ट डिजिट है वो है 41। 41 के बाद देखें 42, 43, 44, 45, 46, 47। नेक्स्ट देखें 47 के बाद देखें फिर मिस है डिजिट, तो 47 के बाद 48, 49 एंड नेक्स्ट हमारा है 50। नेक्स्ट आ जाएँ पेज नंबर 15। पेज नंबर 15 पे है नंबर सीक्वेंस, कंप्लीट द नंबर सीक्वेंस। ये जो उन्होंने हमें काउंटिंग जो है, हमें सीक्वेंस के साथ काउंटिंग जो है, इसके डिजिट हमने कंप्लीट करने हैं। देखें सबसे फर्स्ट पे उन्होंने 1 से स्टार्ट किया है, सबसे फर्स्ट पे है 1, 2, 2 के बाद हमारा अगला डिजिट क्या होगा 3, 3 के बाद 4, 5, 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद हम 8 राइट करेंगे। स्टूडेंट्स के 8 के बाद फिर देखें 9 उन्होंने राइट किया हुआ है, नेक्स्ट वर्ड है 10। सीक्वेंस के साथ हमने जो है सारे मिसिंग जो नंबर्स हैं वो कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट आ जाएं 11 से स्टार्ट करेंगे, 11 राइट है पहले से, 11 के बाद 12, 13, 13 के बाद 14 भी राइट किया हुआ है, 14 से नेक्स्ट डिजिट हमारे पास क्या होता है 15, 15 हम यहाँ पे राइट करेंगे। तो हमारे पास ये जो एक जो है पूरा सीक्वेंस के साथ नंबर लाइन कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट है 16, 17, 17 से नेक्स्ट डिजिट है 18, 18 के बाद 19 और 20 फिर उन लोगों ने राइट किया हुआ है। इस तरह से हमने सीक्वेंस के साथ हमारे जो ये सारे डिजिट्स हैं वो कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट आ जाए हमारे पास है 20 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट है 21, 21 से नेक्स्ट हम चलेंगे तो यहाँ पे आएगा 22, 23 पहले से राइट है, नेक्स्ट है 24, 25 नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। नेक्स्ट हमारा 25 के बाद डिजिट उन्होंने राइट किया हुआ है 26, तो नेक्स्ट हम राइट करेंगे 27, 27 के बाद 28, 29 एंड 30 भी उन्होंने राइट किया हुआ है। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे 31 से, 31 के बाद आपको पता है बच्चों 32 आता है, तो हमने जो है 31 आफ्टर 32, 33 राइट है, उसके बाद है 34, 35, 36, 37, 38, 39 एंड 40। नेक्स्ट आ जाएँ 41 से स्टार्ट करेंगे, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 पहले से राइट है, तो नेक्स्ट आ जाएगा 50। इस तरह से ये जो सीक्वेंस के साथ हमने ये जो सारे डिजिट जो हैं वो कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट आ जाएँ पेज नंबर आ जाएँ आप लोग 17 पे। पेज नंबर 17, काउंट द जॉइंट टू द करेक्ट नंबर, 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पे हमने क्या करना है, देखें एग्जांपल में उन्होंने हमें बताया हुआ है। फर्स्ट पे देखें 11, ये देखें हमने यहाँ से ऑब्जेक्ट जो है काउंट करने हैं। हमारे पास ये जो बंडल है 10 का है, तो सेपरेट जो पेंसिल है उसको साथ में काउंट करेंगे 10 एंड 11। तो 11 के साथ उन्होंने लाइन ड्रा की हुई है, इसी तरह से ये जो सारे हैं हमने सोल्व करने हैं। देखें नेक्स्ट देखिए हमारे पास 10 का बंडल है, 10 से हमने नेक्स्ट काउंटिंग जो है वो स्टार्ट करनी है 11, 12 एंड 13। तो हमने इसको जो है, ये जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हमने 13 के साथ मैच कर देना है। इसी तरह से नेक्स्ट आ जाएं, नेक्स्ट हमारे पास देखें 10 का बंडल है, 10 के बाद सेपरेट जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं वो हम इस काउंट करेंगे, प्लस करके देखें 10,
11 एंड 12, 12. तो यहाँ पे हमारे पास जो है इसको हम 12 के साथ मैचिंग करेंगे. नेक्स्ट आ गया हमारे पास, अब हम नेक्स्ट जो है काउंट करेंगे. 10 का बंडल है, उसके बाद सेपरेट जो डिजिट हैं देखें 1, 2, 3, 4 एंड 5. तो हमने ये काउंट करने हैं 10. देखें 10 से नेक्स्ट काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15. तो इसको हमने 15 के साथ मैच करने हैं. इसी तरह से स्टूडेंट्स आपने जो सारा कॉलम है कंप्लीट कर लेना है. नेक्स्ट आ जाए हमारे पास पेज नंबर 18 है. पेज नंबर 18 नंबर्स इन वर्ड्स 1 to 20. स्टूडेंट्स ये पेज है बहुत ही इजी है, ये हम आप लोग नर्सरी में भी कर चुके हैं. ट्रेसिंग है, इसमें कुछ भी नहीं करना आप लोगों ने, जस्ट जो डिजिट दिए वर्ड्स दिए हुए हैं उनकी हमने ट्रेसिंग करनी है. देखिए फर्स्ट पे है 1, 1. देखें हमने सबसे पहले 1 का जो ओ है उसको ट्रेस करेंगे मेरे साथ साथ, इसको ट्रेस करें ओ. उसके बाद है एन, नेक्स्ट है ई. तो ये जो हमारा वर्ड है 1 कंप्लीट हो जाएगा ट्रेसिंग करने के बाद. आपने इसी तरह से सेम ये सारा यहाँ पे राइट कर लेना है. देखें यहाँ पे है 1, 2, उसके बाद 3 की ट्रेसिंग करनी है. नेक्स्ट पेज पे आ जाएं 4, 5, 6. इसी तरह से आप लोगों ने जो है पेज नंबर 20 एंड 21. देखें यहाँ पे भी है हमारे पास 7. 7 का जो है सबसे पहले एस को हम ट्रेस करेंगे. नेक्स्ट वर्ड है ई, मेरे साथ साथ आप लोग ट्रेसिंग करते जाएं वी ई एंड एन 7. इसी तरह से आपने इसकी ट्रेसिंग कंप्लीट करके इसके जो वर्ड्स हैं वो ये सारे बुक्स में राइट कर देने हैं. ये बहुत ही ईजी है स्टूडेंट्स, ये आपके लिए होमवर्क है. आप लोगों ने ये घर में मम्मा के पास ज़रूर ट्राई करना है. नेक्स्ट आ जाएँ, ये सारा वही है मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ. इसी तरह से हमने यहाँ पे देखें पेज नंबर 23, इसकी भी हमने ट्रेसिंग करनी है. और ट्रेसिंग करने के बाद ये जो बॉक्स दिए हुए हैं हमने ये सारे स्पेलिंग में राइट कर देने हैं. नेक्स्ट आ जाएँ, नेक्स्ट हमारे पास है पेज नंबर 25. पेज नंबर 25 में क्या है, काउंट एंड राइट द नंबर्स इन द बॉक्स. ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये आपने कैसे सॉल्व करना है. देखें ये ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं हर बॉक्स के अंदर, हमने इनको काउंट करके बॉक्स के अंदर राइट कर देना है. देखें फर्स्ट पे है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. हमने इस बॉक्स के अंदर 8 जो है राइट कर देना है. इसी तरह से नेक्स्ट है, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हम काउंट करके बॉक्स के अंदर राइट कर देने हमने ये. नेक्स्ट इसी तरह से ये क्लॉक्स दिए हुए हैं इनको काउंट करने हैं. ये सारे सेम जो हैं इसी तरह से ऑब्जेक्ट्स हैं आपने काउंट करने हैं और बॉक्स में राइट कर देने हैं. नेक्स्ट है पेज नंबर 26 पे है ड्रा एंड काउंट. ड्रा एंड द गिवन नंबर्स ऑफ शेप्स, कुछ नंबर दिए हुए हैं उनको हमने ड्रा करना है. मेक द ग्रुप ऑफ 10, 1 हैज बीन डन फॉर यू. देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है, एग्जांपल में देखिए उन्होंने बताया हुआ है 11 ट्रायंगल ड्रा की हुई है, उसमें जो 10 है 10 का हमने ग्रुप बनाना है. 10 का ग्रुप बना के उनको हमने सर्कल कर देना है. तो जो हमारे पास रिमेनिंग में बच जाएगा उसको वैसे ही छोड़ देना है. नेक्स्ट देखें ये है रंबस, 15 रंबस हमने ड्रा करने हैं. सेम इसी तरह से 15 रंबस ड्रा करेंगे, उसके बाद हमने जो 10 का ग्रुप बना लेना है और जो 5 रिमेनिंग में बच जाएंगे उनको छोड़ देना है. इसी तरह से ये जो सारी शेप्स हैं इनको हमने ड्रा करना है. देखिए साथ में काउंटिंग भी दी हुई है, 18 सर्कल ड्रा करेंगे फिर इसमें से हम 10 का ग्रुप बना लेंगे. इस तरह से 12 स्क्वायर ड्रा करेंगे फिर इसका 10 का ग्रुप बनाएंगे, 2 रिमेनिंग में बच जाएंगे. इसी तरह से ये सारी जो है आपने सॉल्व करनी है. नेक्स्ट आ जाएँ पेज नंबर 27. पेज नंबर 27 पे है मैच द सेट्स, ज्वाइन ईच सेट टू द करेक्ट नंबर, राइट द नंबर्स नेम. 1 हैज बीन डन फॉर यू. यहाँ पे हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, देखें फर्स्ट पे एग्जांपल में उन्होंने हमें बताया हुआ है, ये हमारे पास है स्वीट्स दी हुई हैं बॉक्स के अंदर, ये 14 है. देखें काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14. 14 स्वीट्स है, उन्होंने 14 डिजिट के साथ लाइन ड्रा कर दी है. तो हम अपने अब क्या करना क्या है स्टूडेंट्स, ये जो बॉक्स है इसके अंदर हमने 14 राइट करना है वर्ड्स में. 14 वर्ड्स में राइट करना है. हम पीछे काउंटिंग में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ 14 के स्पेल, तो हमने यहाँ पे राइट कर लेने हैं. इस तरह से नेक्स्ट ऑब्जेक्ट देखें, यहाँ पे हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11.
11 है, 11 का जो देखें 11 यहाँ पे है हमें नजर आ रहा है, 11 के साथ हमने इसकी मैचिंग करनी, लाइन ड्रैग कर देनी और 11 को हमने वर्ड्स में यहाँ पे राइट कर देना है। इसी तरह से नेक्स्ट ऑब्जेक्ट देखें, ये सेम हमने ऐसे ही सॉल्व करने हैं। पहले सबसे पहले हमने इनको काउंट कर लेना है ऑब्जेक्ट्स को, काउंट करने के बाद जो इनका डिजिट है उनके साथ मैचिंग करनी है और वो मैचिंग डिजिट को हमने जो है वर्ड्स में राइट कर देना है। इसी तरह से आपने ये सारा सॉल्व करना है। नेक्स्ट आ जाएँ पेज नंबर 28। पेज नंबर 28 स्टूडेंट्स, काउंट एंड राइट कलर द बलून्स एज यू लाइक। देखें बलून्स आपको बहुत पसंद होंगे, बलून्स के साथ बच्चे बहुत अट्रैक्टिव होते हैं और आपने करना क्या है, देखें स्टूडेंट्स पिक में नजर आ रहा होगा ये बलून्स हैं डिफरेंट शेप्स के उन्होंने दिए हुए, इनमें हमने कलर्स करने हैं और साथ ही साथ देखें आंसर द फॉलोइंग कुछ क्वेश्चन उन्होंने हमें दिए हैं, हमने उनके आंसर देने हैं। देखिए फर्स्ट पे है हाउ मैनी टोटल बलून्स आर देयर, टोटल बलून्स हमारे पास है 20, ये टोटल बलून्स सारे मिला के हमारे पास 20 है। नेक्स्ट देखें हाउ मैनी लॉन्ग बलून्स इन आर, इन सब में से जो लॉन्ग बलून है इस शेप्स के, देखें स्टूडेंट्स आपको शेप नज़र आ रही होगी, इस शेप्स के बलून है वो हमने काउंट करने हैं। देखें मेरे साथ काउंट करें, 1, 2, 3 एंड 4, 4 हमने यहाँ पे बॉक्स में राइट कर देना है। इसी तरह से नेक्स्ट है देखें हाउ मैनी वेवी बलून्स इन आर, ये जो सारे बलून्स हैं इनमें से जो वेवी बलून्स हैं ये वाली शेप के उनको हमने काउंट करना है। देखें नंबर 1 पे है 1, 2, 3 एंड 4, ये भी हमारे पास 4 हैं तो हमने यहाँ से काउंट करने हैं। काउंट करने के बाद देखें हाउ मैनी वेवी बलून्स इन आर, ये शेप के सामने बॉक्स ड्रा किया हुआ है इसमें हमने 4 राइट कर देना है। इसी तरह से नेक्स्ट है हाउ मैनी राउंड बलून्स इन आर, ये जो सारे बलून्स हैं इनमें से जो राउंड बलून है वो हमने काउंट करने हैं। देखें ये वाली शेप आपको नज़र आ रही होगी, इस शेप के हमने बलून काउंट करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, 8 हमने यहाँ पे 8 राइट कर देना है। इस तरह से नेक्स्ट है, नेक्स्ट हाउ मैंने ओवल बलून्स इन आर, हम अब हमने ये वाले बलून देखे। देखिए स्टूडेंट्स साथ साथ जो हमने ये जो बलून्स के डिजिट यहाँ पे राइट करने हैं, देखें साथ में उन्होंने जो बलून दिए उसमें कलर भी किया हुआ है, जो ये वाली शेप्स का लॉन्ग बलून है उसमें हमने ब्लू कलर करना है, उसके बाद जो वेवी बलून्स है उसमें हमने ग्रीन कलर करना है, नेक्स्ट है राउंड बलून इसमें हमने ऑरेंज कलर करना है और लास्ट पे है ओवल बलून इसमें हमने येलो कलर करना है। देखें अब हम ये वाले बलून्स जो है काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 4 यहाँ पे राइट करना है और ये आपने कलर्स भी करने हैं स्टूडेंट्स, प्यारे से कलर करने हैं। आई होप आपको ये लेक्चर मेरा समझ आया होगा। तो आज का जो मेरा लेक्चर है यहीं तक ख़त्म होता है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और जो मैंने आपको होमवर्क असाइन किया है उसे ज़रूर कंप्लीट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।